आज की वीडियो में आप स्कैन ड्राइव, गेट ड्राइव, लेवल शिफ्टर के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताए थे प्रैक्टिकली तौर पे कि पैनल में अगर फॉल्ट उस तरीके से आते हैं, यानी स्लो मोशन के या फ्रीजिंग टाइप के फॉल्ट आते हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस पर हमने जो है एक मैनुअली तरीके से कैसे उस वोल्टेज को बाईपास करके और वर्क में लिया था, आज उसके बारे में समझेंगे। देखिए, एक पैनल है, पैनल में देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे। लाइन में क्या होता है कि आरजीबी पिक्सल जुड़े होते हैं। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग कुछ डिफरेंस होते हैं, जिसमें से जो है उसके अकॉर्डिंग ही फॉल्ट फाइंडिंग भी आते हैं। जैसे कि किसी किसी में जो है गेट में कप लगे होते हैं, किसी में इंटरनल होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पैनल तीन प्रकार के होते हैं, तीनों में जो है अंतर ये होता है कि फॉल्ट फाइंडिंग भी जो है उसके डिफरेंस हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जब यहाँ पे एक लाइन में जो पिक्सल लगे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग क्या होती है कि जैसे हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ऐसे ही ये लाइन यहाँ तक जाएगी, यहाँ पर एंड होकर फिर यहाँ से रिस्टार्ट होगा। तो जैसे हमारा गेट ऑन हुआ, तो इस समय क्या हुआ, BGH की जो वोल्टेज हुई यहाँ पे आई और इस लाइन को ऑन करते हुए यहाँ तक गई। अब यहाँ तक इसमें टाइम फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग ही ये स्विच चेंज होगा, यानी स्विचिंग जो इसकी होगी स्कैनिंग की, वो चेंज हो जाएगी। यानी एक बार ये जलेगा, फिर एक बार ये बंद होगा, फिर ये जलेगा, फिर बंद होगा, फिर इसी हिसाब से जो है ये इसका जलना बुझना पिक्सल का, यानी ऑन ऑफ होना, यानी एक लाइन चलेगी एक लाइन बंद होगी, एक लाइन चलेगी बंद होगी। ये इस तरीके से होगा कि जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाने के बाद उस टाइम में ये फिक्स है कि यहाँ तक अपने आप यहाँ तक आने के बाद, यानी जितना देर लगा यहाँ तक आने में, इसके बाद तुरंत वो क्विक BGL हो जाएगी। BGL के बाद ये ऑफ हो जाएगा, फिर ये लाइन यहाँ तक ऑफ करते हुए जाएगी, फिर ये जो है यहाँ ये जो है रीसेट, मतलब यहाँ से रीसेट होगा, यानी फिर यहाँ बंद होकर फिर ऑन होगा। तो इसी तरीके से ये जैसे यहाँ से जाएगी स्कैनिंग, यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी यहाँ पे जाएगी, तो ऐसे ऐसे ये वर्क करता है। किसी किसी में डबल गेट यूज किया जाता है, जैसे इधर से भी होते हैं इधर से भी होते हैं। हम आगे जैसे टॉपिक आगे आएगा उसमें हम बताएंगे कि एक गेट एरिया दोनों दोनों साइड होता है, एक में वन साइड होता है, तो फॉल्ट भी उसी हिसाब से रिपेयर किया जाता है। वो उस पैनल के नंबर और उस पैनल के डिज़ाइन के ऊपर होता है, यानी किसी किसी गेट एरिया में एक वन साइड जो है काम में लिया जाता है, इधर नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि अगर फॉल्ट इधर साइड हो गया और कप इंटरनल है, तो फॉल्ट रिपेयरेबल नहीं होते। तो ऐसे ऐसे जो आप कुछ पैनल के बारे में आप जानेंगे आगे, तो फिर आपको काफ़ी इजी हो जाएगा फॉल्ट को टेस्ट आउट करने के लिए। अब इसमें क्या है कि जब इसमें कहीं भी पिक्सल शार्ट हुआ, मान लीजिए ये पिक्सल शार्ट हो गया, तो ये लाइन हमारी पूरी शार्ट हो गई, तो इस समय जब यहाँ पे BGH आ रहा है तो ये ऑन टाइम ये प्रॉब्लम करेगी, इस समय जो है पिक्चर हमारी रुक जाएगी। अभी इसको बाईपास करने के लिए, यानी जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा BGL, तो यहाँ जहाँ BGH था जहाँ पे BGL आ गया, अभी ये क्या हुआ कि ये फॉल्ट है यानी शार्ट है, तो इस समय जो है ये बंद कर देगा इस लाइन को। तो इस लाइन को बंद करने के बाद ये फॉल्ट उल्टा यहाँ से जब स्टार्टिंग हो जाएगी, यानी उल्टा इसका हो जाएगा स्कैनिंग। हम इसके और डिटेल में जाएंगे तो हम बताएंगे कि जैसे हमारा मिरर ऑप्शन होता है, तो उसमें देखते हैं कि स्कैनिंग को हम चेंज करते हैं तो कैसे चेंज होता है। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। इस ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर देखें जो आज की टॉपिक है, देखिए इसका जो अदर नेम है BGL और BGH का, आपको देखने को मिलेगा इसी टाइप से जो है लिखा होता है PCB पे। तो इसमें आपको अगर BGL नहीं लिखा है तो इतना टाइप का हो सकता है कि आपको लिखा मिले, और BGH नहीं होगा तो इतना। तो इसमें क्या है, ऑड और इवन को जो ऑन ऑफ करती है लाइन, तो यहाँ पे लेवल शिफ्टर एक होता है। अब यहाँ पर देखें, जब ये इस लाइन से यानी इस पिन से जब यहाँ पे आउट हो रही सप्लाई BGH है, तो ठीक उस समय यहाँ पे BGL है। तो इसे जब हम उल्टा करते हैं, यानी इंटरचेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से कट करके डायरेक्ट भी दे सकते हैं मैनुअल, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ पर देखें, स्कैन ड्राइव को जो है अलग किया गया, इसलिए
क्योंकि टिकाउन से आने वाले सिग्नल इसमें इन हो रहे हैं और यहाँ पे जो है ये वोल्टेज जो डीसी टू डीसी आईसी से जनरेट होके आउट हो रहे हैं यानी बीजीएच और बीजीएल ये सीधे इन हो रहे हैं। इस वोल्टेज में केवल डायरेक्ट जा रही है, यहाँ पे जो है कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग यहाँ पे होगा जो आउटपुट निकलेगा यानी दोनों में मिक्स करके एक बार इसमें देगा एक बार इसमें देगा यानी बीजीएल एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा। इसी के अनुसार इसी के अकॉर्डिंग ये आगे को ये वोल्टेज जाते हैं जहाँ पे हमारे ये जो लाइन है यानी ये आप देख सकते हैं इस लाइन को। हमने बताया था कि रॉ और कॉलम, कॉलम मतलब वर्टिकल होता है और रॉ मतलब ये हॉरिजॉन्टल, तो रॉ में जो जितने भी पिक्सल लगे होते हैं ये काम भी उसी के अनुसार करता है क्योंकि आप देखते होंगे कि इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल को अपने जगह पे शिफ्ट करने का काम करते हैं यानी एक लेवल से उसको शिफ्ट करते हैं जैसे जैसे जहाँ पे जिस पिक्सल को ग्लोइंग होना है और वो जो है LPDS हमारा जो सिग्नल RDS आउट होता है उसी के अनुसार जब उसमें क्रिस्टल में जब वो पल्स निकलते हैं आउट होते हैं तो उसके अनुसार ये सारे चेंजिंग होते रहते हैं और पिक्सल उसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। और दूसरी बात यह है कि जब कभी भी प्रॉब्लम आए यानी स्लो मोशन का या और भी जो फॉल्ट है हमारे पिक्चर फ्रीजिंग का या फ्लिकरिंग का तो और एक आता है कि नो पिक्चर, तो उस समय क्या है कि आपको ये भी देखना होगा कि जब हमारा कोई डिस्प्ले भी नहीं होता या कोई अदर उसमें प्रॉब्लम होती है तो उसके पहले आपको ये देखना है यानी खड़ी खड़ी लाइनें आएंगी तो वो क्या है कि आपको पहले यहाँ पर देखना होगा कि ये चेंज होता है कि नहीं क्योंकि कभी कभी ये फॉल्ट भी हो जाते हैं IC। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले वोल्टेज इन हो रहे हैं कि नहीं, इन अगर हो रहा है वोल्टेज और यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं तो ये भी फॉल्ट एक IC से रिलेटेड आता है कि IC जब फंक्शन नहीं काम करता है तो भी ये दिक्कत आती है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले यहाँ पर देखें इन हो रहे हैं कि नहीं दोनों वोल्टेज यानी VGL और VGS, अगर ये इन हो रहे हैं तो आउट होने वाला वोल्टेज चेंज होना चाहिए इसी के अनुसार या एक बार VGL एक बार VGH। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 नंबर पिन है और ये 13 नंबर पिन है जैसा कि हम पहले आपको उस वीडियो में बता चुके हैं और दिखा भी चुके हैं कि इसे कैसे चेंज करके उस प्रॉब्लम को दूर किया है जो कि स्लो मोशन का और यानी पिक्चर फ्रीजिंग की जो फॉल्ट थी। तो ये ऐसे ही आपको भी अगर कहीं अलग टाइप के पैनल हैं तो उसको भी जो है आपको सबसे पहले अगर फॉल्ट को देखना है तो उस वोल्टेज को आप देखिए जो यहाँ पे वोल्टेज आउट हो रहे हैं स्कैन के लिए यानी स्कैन ड्राइव आउट होने वाले वोल्टेज यानी जिसमें गेट एरिया में कफ लगे होते हैं उनके एक अलग डिज़ाइन होते हैं तो उसके फॉल्ट भी अलग होते हैं। हम जैसे जैसे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों और देखते रहिए।